हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट रिवेन्यू कलर्क का पेपर होगा 12 दिसंबर का हरियाणा के अंदर, तो उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या आएगा पेपर का, वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, वो मेन जो चीज़ है वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और देखें ये कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो, असिस्टेंट रिवेन्यू कलर्क क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, तो इसके ऊपर भी वीडियो जो रिलेवेंट सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर भी टॉपिक पे वीडियो हम बनाएंगे। एक या दो वीडियो कल या परसों तक अपलोड हो जाएंगी, तो आप वो चेक कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट कितनी है, तो 50 पोस्ट हैं और फॉर्म भरे गए हैं वो 41,000 के करीब फॉर्म भरे गए हैं। 41,101 फॉर्म जो है टोटल पहुँचे हैं और ये जो जॉब थी ग्रेजुएशन बेस पे है, ग्रेजुएशन बेस पे, तो ट्वेल्थ वाले तो इसमें है नहीं। तो ये मत समझना कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जिन्होंने ट्वेल्थ की है हरियाणा जीके नहीं आती है। आज ये ग्रेजुएशन वाले सभी ने हरियाणा जीके पढ़ रखी है, तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे इस बार, तो क्योंकि अब हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है हर पेपर में जरूर आएंगे। एक बार उन्होंने बंद कर दिया था देना, कॉन्स्टेबल नहीं दिया था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था इन पर कि हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा जीके क्यों नहीं आई, तो अब तो हरियाणा जीके जरूर से जरूर आएगी आएगी। ऑब्वियसली इसमें लिखा भी है सिलेबस में, लेकिन सिलेबस को वो फॉलो कम करते हैं। एज जो पीछे हमने पैटर्न देखे अभी तक सिलेबस के पीछे जो भी एग्जाम देखे हैं वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, एक पैटर्न सेम फॉलो कभी भी नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर का पेपर देखने का कोई इसमें मतलब नहीं बनता है, लास्ट ईयर का पेपर ना देखो तो अच्छा है। लास्ट ईयर पता नहीं पेपर भी कब हुआ था ये, ठीक है। तो सिलेबस जो लिखा हुआ है नोटिस के अंदर है, 12 दिसंबर को ये पेपर होने वाला है हमारा, 12 दिसंबर 2021 को जो सिलेबस लिखा हुआ है, ये सब सिलेबस लिखा है, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, रिलेवेंट सब्जेक्ट, और ये हरियाणा का है, तो ये 75% आएगा और ये 25% आएगा। 75% लगभग हो गया 67 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 90 हमारे और ये लगभग हो गए 23 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है 90 नंबर के, ठीक है। और बाकी बच गए जो 10 नंबर हैं वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको मिलेंगे, तो 90 क्वेश्चन है इसके, इस पेपर के अंदर 90 नंबर का पेपर होगा ये, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, जो भी अभी पीछे तक ना होते आ रहे थे एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का वो नहीं है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ठीक है। तो अब देखो, पोस्ट हमारे पास सिर्फ 50 पोस्ट है, तो लगभग जो कट ऑफ जाएगी इसकी वो पेपर पैटर्न पे डिपेंड करेगी, पेपर का जो लेवल पे उस पे डिपेंड करेगी। अगर इजी लेवल है तो 70 के आसपास जाएगी, अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो 60 के आसपास जाएगी, ठीक है। तो अपना टारगेट है 60 से 70 के बीच में अपने नंबर लेके आने, अपने क्वेश्चन ठीक करने, ठीक है। देखो 25% मतलब 23 क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से करना है, इसमें कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मेन यहाँ पे क्या है, हरियाणा जी के है, उसको अच्छे से कवर करो, हरियाणा जी के करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविक्स वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह सब आपको अच्छे से करने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे यहाँ से, मतलब 15 से 20 आपको ठीक करने हैं, 23 क्वेश्चन के आसपास हरियाणा जीके आएगा, ठीक है। बाकी बच गया वो 67 क्वेश्चन, उसमें से ये आएंगे। अब देखो, अब रेलेवेंट सब्जेक्ट आप सभी लोग ये करें, रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ाओ सर, रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ाओ, असिस्टेंट रिवेन्यू कलर्क के बारे में बताओ, तो एक दो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप चेक कर लें, लेकिन ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि पहले के पेपरों में जब ग्राम सचिव हुआ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए थे, तो सब लोगों ने ऑब्जेक्शन डाल दिया था कि भाई इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी है उनका भी दो, ठीक है। पर इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इसमें कम भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है रेलिवेंट सब्जेक्ट का, असिस्टेंट रिवेन्यू कलर्क का, लेकिन रिवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, मिनिस्टर वगैरह है, रिवेन्यू के जो भी मिनिस्टर हैं हम सारे उसमें पढ़ाएंगे वीडियो के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे हरियाणा के, बाकी सारे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी रिलेवेंट सब्जेक्ट को अगर हम ना छेड़ें तो हमें देखो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग 15 से 20 क्वेश्चन श्योर श्योर आएंगे, 67 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। इंग्लिश हिंदी 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे ये, कंप्यूटर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में मान लें, साइंस में भी लगभग 8 क्वेश्चन बच गए। कितने देखो ये कितने हो गए टोटल हमारे पास, 16 और 26 ये मान लेता हूँ मैं, 15 ही मान लेता हूँ, चलो 41 के आसपास ये हो गए, 41 से 45 क्वेश्चन बच गए, कितने लगभग 22 क्वेश्चन हमारे बच गए। तो 22 क्वेश्चन में आएंगे जनरल अवेयरनेस
और ये रेलेवेंट सब्जेक्ट लगभग 22 क्वेश्चन हमारे इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इस 22 क्वेश्चनों में से अगर जनरल अवेयरनेस आपकी बढ़िया है तो रेलेवेंट सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 20-22 क्वेश्चन इसके आ गए तो जनरल अवेयरनेस के कम कर देंगे, ऐसा ही है उनका लफड़ा। अगर इसके ज़्यादा आ रहे हैं और इसके भी हैं तो इनमें कम कर देंगे कंप्यूटर और साइंस के अंदर, ठीक है। लेकिन पेपर को हार्ड बनाने के लिए ये सब्जेक्ट तो देने पड़ेंगे ही देंगे उनको, क्योंकि आज के टाइम में जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो बच्चे यही से यही खोजते हैं कि भाई किस चीज़ का एग्जाम है और उसी के बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो सोचते हैं कि उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इस पे आएंगे तो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 4-5 भी बहुत हो जाते हैं, ठीक है। बाकी साइंस पे ज़्यादा ध्यान कब दोगे साइंस को, जो साइंस तो सबका सेम जैसा होता है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जिसने बीएससी कर रखी है तो वो कुछ हद तक कुछ क्वेश्चन इसमें ठीक कर सकता है, बाकी तो एक दो क्वेश्चन ही ठीक हो पाएंगे आपके, ठीक है। अगर नहीं साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, क्योंकि साइंस बहुत ब्रॉड टॉपिक है और कितना पढ़ोगे वो भी गड़बड़ हो जाती है, जिसका साइंस अच्छा होता है उसका जनरल अवेयरनेस वो वीक होता है, वही फैक्टर बस बराबर ही आता अपना, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो वो सबका सेम ही है, और हमें जो पढ़ना है ज़्यादा किस पे ध्यान देना है तो वो मैथ रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें से 15-20 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएंगे ही आएंगे, और वो अगर ठीक हो जाते हैं आपके तो बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। सारे के सारे ठीक हो जाते, सारे सारे तो ठीक नहीं हो सकते, एक दो तो गलत हो ही जाते हैं जल्दबाजी में, लेकिन सारे के सारे कोशिश करोगे ठीक करने की तो हो भी सकते हैं। इंग्लिश हिंदी के 10 क्वेश्चनों में से अगर आपके 7-8 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश हिंदी पे, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर की मैंने 4-5 वीडियो डाल रखी है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा लग जाते हैं, तो वो भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। 4-5 वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट है तो उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियोज, ठीक है। साइंस की मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि साइंस बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, मैं पढ़ाऊँ तो भी कितना पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन लग जाएंगे तो भी आपकी किस्मत है, नहीं लगता है तो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। जब हम साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हम भी केमिस्ट्री का, जैसे मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, बायोलॉजी भी मेरी वीक है, मैं सिर्फ फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स ही मैं पढ़ा पाऊँगा आपको, ठीक है। साइंस के अंदर फिजिक्स के ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात भी है, ठीक है। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कि एक दो वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन लग जाते हैं तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके लग रहे हैं, ठीक है। बाकी भाई जीए जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, तो उस पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। मेनली जनरल अवेयरनेस में किस पे फोकस करना पड़ेगा आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको फोकस करना पड़ेगा और ज्योग्राफी। बाकी तो जैसे हमारा पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक भी है, तो उस पर तो सरसरी नज़र पे जो एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर 10-15 साल के एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको पढ़ लेना चाहिए, बस पॉलिटी और उसके लिए इकोनॉमिक के लिए, ठीक है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5-7 क्वेश्चन, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं, सारे वंश आपको पढ़ने हैं, सारी सभ्यता आपको पढ़नी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको मेन फोकस किस पे करना है, हरियाणा जीके को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब जितना भी पढ़ लो हरियाणा जीके में से 23 क्वेश्चनों में से पूरे ठीक नहीं हो सकते, कभी नहीं ठीक होंगे, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आएंगे 5-10 वो उनमें से बहुत कम आपके तुक्के लगेंगे, बहुत कम, क्योंकि आपको करंट अफेयर जो है हरियाणा में स्पेशली जो करनाल साइड के हैं वो तो ठीक कर देंगे, बाकी और जो है आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नहीं हो पाएंगे, मुश्किल चांसेस हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है जो सेटर होता है ना पेपर का वो कहाँ से बिलोंग करता है, अगर उसकी उसी डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा है तो वो उसका करंट अफेयर तो पता ही होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, जनरली जो जहाँ से पेपर बनाते हैं ना उसी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर वो डाल देते हैं, ठीक है। तो और करंट अफेयर पे फोकस करना है, हरियाणा के हरियाणा जीके पे करंट अफेयर की वीडियो भी मैं रेगुलरली 5 या 10 दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो भी आपको चेक करनी चाहिए, जो भी नई स्कीम है, नई योजना है, जो भी वो मैं करंट अफेयर्स में बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी इन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है हरियाणा जीके की, तो वो आपको चेक कर लेनी चाहिए, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है, इंग्लिश हिंदी पे फोकस करना है, कंप्यूटर की वीडियो मैंने बना रखी है उस पे भी फोकस करना है, रेलिवेंट सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपको एक दो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आपको फिर कंसंट्रेट करना है उसमें भी, ठीक है।
तो ये आपका सिलेबस था और पेपर को कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए, तो ये उसका ब्यौरा ब्यौरा था कि कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाएगा हमारा। तो ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको करेक्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको करेक्ट करने हैं, लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट करने हैं आपको। तो देखो कितने हो गए टोटल, ये 23 और 13 जो हमारे 36 क्वेश्चन हो गए। कंप्यूटर में लगभग 5 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन, तो ये कितने हो गए 46। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट और जनरल अवेयरनेस की बात रह गई, तो इसमें आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप 60-65 के पार पहुंच पाओगे। अगर पेपर टफ है तो, पेपर टफ है तो 60-65 के बीच में नंबर लेके आने पड़ेंगे आपको। अगर पेपर इजी बनता है तो ऑब्वियसली इजी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि 41,000 लोगों ने फॉर्म भर रखा है और पोस्ट सिर्फ 50 ही पोस्ट है ना। इजी बना देंगे तो 70-75 वालों का ही हो पाएगा, फिर तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगी उसकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पैटर्न को फॉलो करें और पेपर क्लियर करने की कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश तो हमें करनी चाहिए। और डरना नहीं है कि भाई कम पोस्ट है और इतनी ज़्यादा फॉर्म भर रखे, डरना नहीं है, तैयारी करो अपने, कोई नहीं, एक पेपर आपको देख के पता लगे, कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो तैयारी ज़रूर करें।